यस, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम संजय कुमार तिवारी। आज 20 अक्टूबर है और आज से विद्यालय भी खुल गया है। आप सभी को विद्यालय पहुंचना है, ऑनलाइन भी पढ़ना है और विद्यालय में भी पढ़ना है। इसके लिए मास्क लगाइए और विद्यालय आइए। 11th के स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएंगे लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लेखक इसमें ये कहता है कि हम को मरने से नहीं डरना चाहिए यदि हम सब एक हों, एकजुट हों, एकता हो। और यहाँ पर इस पाठ के लेखक हैं गार्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये दोनों लेखक समुद्री नाविक हैं जो समुद्री यात्रा करते हैं और समुद्री यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों का बड़े ही रोचक शैली में वर्णन करते हैं। 10वां पैराग्राफ है वाटर वाटर एवरी वन। 9th पैराग्राफ में आपने पढ़ा था कि लहरें बहुत तेजी से उठी और लेखक उन लहरों में समा गया। तो 10वें पैराग्राफ में लेखक बताता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी और पानी और चारों तरफ, हर जगह पानी पानी। एवरीवेयर मीन्स हर जगह। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बेलो। आई कुड फील मीन्स मैं ये महसूस कर सकता था, अनुभव कर सकता था। क्या अनुभव कर सकता था? कि द शिप हैड वाटर बेलो, शिप माने जहाज, के नीचे पानी था। हैड वाटर पानी था, बेलो नीचे। बट लेकिन आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन आई मीन्स मैंने, डेयर नॉट मीन्स साहस नहीं किया, दुस्साहस नहीं किया। अबैंडन मीन्स छोड़ने का, द व्हील मीन्स पहिए को, टू इन्वेस्टिगेट मीन्स संतुलन बनाने के लिए या खोजबीन करने के लिए। तो जहाज की खोजबीन के दूसरे पार्ट की खोजबीन करने के लिए मैंने पहिए को छोड़ने का साहस नहीं किया। इसके पहले के पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि जब लेखक जहाज को, पानी की लहरों ने उसके जहाज के अगले भाग को टक्कर मारी और वो पानी की लहरों में डूबने लगा, तो उसने जहाज के पहिए को पकड़ लिया था। तो अब इस पैराग्राफ में वो लेखक बता रहा है कि उसने पहिए को छोड़ने का साहस नहीं किया। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थर्न ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। फ्रंट हैच जहाज के फलके को कहते हैं, आगे के हिस्से को। फ्रंट हैच जहाज का फलका वॉज थ्रोन ओपन, यानी वो खुल गया था, ओपन खुल गया था। एंड और मैरी अपीयर्ड, मैरी मीन्स मैरी नाम है, अपीयर्ड मीन्स प्रकट हुई। ये सहयात्री थी जो कि लहरों के बीच से प्रकट हुई। वी आर सिंकिंग शी स्क्रीम्ड। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, वो चीखी। स्क्रीम मीन्स चीखना। द डेक्स आर स्मैश्ड। डेक स्मैश्ड मीन्स, डेक्स आर स्मैश्ड, डेक टूट फूट चुके हैं। स्मैश मीन्स टूट फूट जाना। एंड वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरी तरह से पानी में हैं। टेक द व्हील, I shouted as I scrambled for the hatch. Take the wheel, wheel को यानी पहिए को, take means पकड़े रखो, पहिए को पकड़े रखो। I shouted, मैं चिल्लाया, as I scrambled for the hatch, जबकि मैं, scrambled means उछला, for the hatch means जहाज के फलके को पकड़ने के लिए। तो लेखक इसमें अपने और अपने सहयात्री के द्वारा यात्रा के साहसिक मोड़, साहसिक पड़ाव का बड़े ही
साहसपूर्ण शैली में वर्णन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।